नमस्कार सभी को। आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम NCERT की क्लास 10th की जो मैथ की पुस्तक है उसकी एक्सरसाइज नंबर 1.2 प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। यहाँ इसके अभाज्य गुणनखंड बनाने हैं। 140, 156, 3825, 5005, 7429। तो पहले हम बनाते हैं 140 का अभाज्य गुणनखंड। क्या होते हैं कि इस संख्या को हमें अलग अलग टुकड़ों में छोटी से छोटी संख्या से विभाजित करके इसको प्राप्त किया जाता है, और यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक लास्ट में शेष फल एक नहीं आता है। अभाज्य गुणनखंड होता है प्राइम फैक्टर। तो पहले हम देख लेते हैं कि जो विभाज्यता होती है उसके नियम क्या कहते हैं। दो से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, मतलब दो सम नंबर हो, वो दो दो से पूरी तरह विभाजित हो जाता है। तो यहाँ 140 140 में इकाई अंक क्या है, 0। तो सबसे पहले ये किससे विभाजित होगा, दो से विभाजित होगा। तीन से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि सभी संख्याओं के योग में तीन का पूरा पूरा भाग जाता है। अब तीन का पूरा पूरा भाग जाता है उस संख्या को हमें जोड़ते हैं। तो जो 140 है इसमें 1 और 4 5 हो गए, ये 5 में 3 का भाग नहीं जाता, तो ये विभाज्यता का नियम नहीं है। अगर यहाँ 141 होता, 141, तब इसको जोड़ते 4 1 4 5 1 6, और इस 6 में अगर 3 का भाग चला जाता, 3 दुनी 6, तब ये 3 से विभाज्यता का नियम होता, इसमें 3 का पूरा पूरा भाग चला जाता। 4 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि संख्या के अंतिम दो अंक कौन कौन से, इकाई और दहाई, ये अंक 4 से पूरी तरह विभाजित होने चाहिए। जैसे मान लो 1 0 4 2, तो ऐसा आ जाता 4 8, मान लो ऐसा आ जाता, तब अंतिम दो अंक क्या है, 4 8, ये 4 से पूरी तरीके से विभाजित होंगे। तो ये 4 का विभाज्यता का नियम ये कहता है कि इकाई दहाई का जो अंक है वो 4 से पूरी तरह विभाजित होना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन करते हैं 140 का प्राइम फैक्टर। तो ये क्या है, इधर वाला ये सारा रफ वर्क है, क्वेश्चन सिर्फ इधर है, इनके आंसर है। तो 140 का प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं, 140 में सबसे पहले इसमें लास्ट में 0 है इकाई का अंक, तो इसमें 2 से इसका डिवाइडेशन करते हैं। तो 140 में 2 से इसका डिवाइड करने पर 2 7 जा 14, और फिर 0 का 0 आ जाता है। फिर 70 जो है इसमें भी 2 से डिवाइडेशन करते हैं, 2 3 जा 6, बचा शेष 1 1 और 0 10, 2 5 जा 10, तो यहाँ 35 आ गए। फिर ये 35 आ गए तो 2 की विभाज्यता का नियम कहता है 0 2 4 6 8 को छोड़कर, तो यहाँ लास्ट में क्या आ गया, इकाई अंक 5 आ गया। तो 0 और 5 इकाई अंक जहाँ हो वो 5 का विभाज्यता नियम होता है कि 5 के विभाज्यता नियम में इकाई अंक 0 और 5 होना चाहिए। तो 5 आ गया तो ये 5 से डिवाइड होगा, 5 7 35। फिर 7 जो आ गया ये ना तो 1 से होता है, 1 से तो सभी डिवाइडेशन होते हैं, ये ना तो 2 से होता है, ना 3 से, ना 4 से, ना 5 से, ना 6 से, ये केवल 7 से होता है। 7 से 7 को डिवाइड करने पर एक बार जाता है, तो ये 1 जो है ये सभी से डिवाइड होता है। तो इस प्रकार इसके जो टुकड़े हैं वो क्या बने, 2 × 2 × 5 × 7। फिर अगर 2 2 2 टाइम आ गया तो क्या करते हैं, 2 की पावर 2 कर देते हैं। पावर का मतलब ये संख्या 2 बार रिपीट हुई है, × 5 × 7। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर कंप्लीट होता है। सेकेंड 156 का
प्राइम फैक्टर ज्ञात करेंगे तो ये भी इसी तरीके से करेंगे, तो हमें ये संख्या क्या प्राप्त होंगी, 2 × 2 × 3 × 13। तो 2 2 2 टाइम आ गया, तो 2 की पावर कितनी हो गई, 2 हो गई। 3 1 टाइम आया है, तो 1 टाइम आता है उसकी पावर 1 होती है, तो ये 3 आ गया। 13 की पावर भी क्या है, 1 है, तो ये 13 आ गया। थर्ड क्वेश्चन है 3825, इसको भी इसी प्रकार से हम हल करते हैं तो हमें प्राप्त होते हैं 3 × 3 × 5 × 5 × 17। तो 3 3 2 टाइम आया तो 3 की पावर 2, 5 भी 2 टाइम आया तो 5 की पावर 2, 17 1 टाइम आया तो 17 का 17। फिर 5005 जो है, इसमें 5 का विभाज्यता नियम क्या कहता है कि इकाई के अंक में 0 और 5 हो, तो ये 5 से विभाजित हो जाता है, तो इसमें हमें प्राप्त होता है 5 × 7 × 11 × 13। इसमें क्या होता है, इन सभी में आपने देखा है कि सभी क्या है, बढ़ते क्रम में है, 1 2 3 4 5, ऐसे ऐसे नहीं है कि पहले 4 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 5 आ गया, फिर 3 आ गया, ऐसे नहीं है, ये सभी क्या है, ग्रोथ करते हुए बढ़ते क्रम में है। फिर आगे 7 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि इकाई अंक को 2 से गुणा करके बाकी संख्या से उसको घटाकर संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, ये इकाई 7 की विभाज्यता का नियम कहता है कि जैसे मान लो 101 है, तो 7 का विभाज्यता नियम कहता है कि यह 7 से पूरी तरीके से विभाजित नहीं है, तो क्या करेंगे, इसमें 2 से इसको गुणा करते हैं, 2 से गुणा सिर्फ उसी इकाई जो अंक है उसी को करते हैं, सिर्फ इसी को करेंगे, तो ये कितना आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे, 2 यहाँ आ गए। फिर क्या करेंगे, ये 2 जो हैं इनको ये यहाँ 1001 मान लो, 3 संख्या इतनी संख्या होनी चाहिए। फिर जो बच्चे कितने हैं, शेष बच्चे हैं 100, तो 100 से क्या करते हैं, इनसे जो मल्टीप्लाई में हमें प्राप्त हुआ कितने, 2, वो इनसे माइनस कर देते हैं, तो ये 98 बचते हैं, 98 में 7 से डिवाइड करते हैं तो ये डिवाइड हो जाता है, 7 1 7, नीचे बचे 2 8 28, 7 4 28। तो इस प्रकार ये 7 का विभाज्यता नियम कहता है। फिर 7429 को हम इसी तरह डिवाइडेशन करते हैं तो हमें प्राप्त होते हैं 17 × 19 × 23। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर फर्स्ट प्राइम फैक्टर वाला कंप्लीट हो चुका है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों में से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसको ज्ञात कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। तो यहाँ सभी में दो दो पूर्णांक दे रखे हैं, तो इन दोनों पूर्णांकों किसके बराबर होने चाहिए, एच सी एफ और एल सी एम के बराबर ये दोनों होने चाहिए। तो पहला है 26 और 91, दूसरा 510 और 92, तीसरा 336 और 54। तो पहला कर हम शुरू करने जा रहे हैं, तो इसमें हमें फाइंड द एच सी एफ एंड एल सी एम, तो ये हमें फाइंड करना है। तो 26 और 91 का, तो 26 के वैसे ही हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं, तो हम ये रफ पर साइड में कर लेते हैं। तो 26 के टुकड़े करेंगे 2 × 13, 2 × 13, 91 के टुकड़े करेंगे 7 × 13। तो एस सी एफ में क्या होता है कि ऐसी संख्या जो दोनों में कॉमन हो तो वो संख्या एस सी एफ होती है। तो 2 तो सिर्फ 26 वाले में है, 791 वाले में है, मगर 13 जो है ये दोनों में है, तो एस सी एफ इक्वल बराबर कितना है, एस सी एफ इसका हो गया 13। और क्या होता है, एस सी एफ जो है ये हमेशा क्या होता है, 1 से लेकर अनंत संख्या तक होता है, मगर ये कभी 0 नहीं होता, क्योंकि इन सभी में क्या होता है, 1 छुपा रहता है। तो 13 × 1 भी हमें इसको कर सकते हैं, तो एस सी एफ हमेशा 0 नहीं होता, ये हमेशा किसी संख्या में ही प्रदर्शित
किया जाता है। एलसीएम ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, इसमें से हम जो बची हुई संख्याएं हैं वो लेते हैं, तो इसमें 2 और 7 बच गए और 13 जो है ये 2 बार आया है, हमें इसको एक ही बार में लेना है। एलसीएम में क्या होता है, जो पावर बड़ी होती है वो ली जाती है, यहाँ दोनों की पावर एक एक है और कहीं पावर एक है, मान लो ऊपर वाले में नीचे वाले में 2 है तो नीचे वाले की 2 पावर वाली ली जाती है। तो 2 × 13 × 7 फिर क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ दी 2 नंबर्स, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो वो 2 संख्याएं कौन सी हैं, 26 × 51 बराबर, इसमें हमें एचसीएफ कितना है 13 और एलसीएम कितना है 2 × 7 × 13। तो इन 4 संख्याओं को गुणा करके देखते हैं और इन दोनों संख्याओं को गुणा करते हैं तो क्या होने चाहिए, दोनों इक्वल होने चाहिए। तो आप गुणा करके देखो, आपको पता चल जाएगा। तो 26 × 91 2366 होते हैं, उसी प्रकार इनको गुणा करेंगे तो हमें यही प्राप्त होंगे, क्योंकि 13 × 26 ये 26 हो गए और 7 × 13 = 91। हम इसको एक दूसरे से काट भी सकते हैं क्योंकि इक्वल का चिन्ह है, तो हम इधर से काटेंगे, 13 13 2 बार कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 13 × 91 7 बार कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, तो ये दोनों संख्या क्या हो गई, इक्वल हो गई। इस प्रकार भी हम इसको ज्ञात कर सकते हैं या इनको गुणा करके इसको कर सकते हैं। दूसरी संख्या है 510 और 92। तो पहले 510 के फैक्टर करते हैं, टुकड़े करते हैं, 2 × 3 × 5 × 17 आते हैं। फिर 92 के करते हैं, 2 × 2 × 23। तो इसमें कॉमन क्या आ गया, इसमें 2 जो है वो दोनों संख्याओं में कॉमन आया है, तो एचसीएफ कितना हो गया, 2 हो गया। और एलसीएम एक बार तो हमें ये 2 लेना है और बाकी 3 × 5 × 17 × 2 × 23। तो बाकी 2 संख्याएं हैं वो हम इसमें ले लेते हैं। फिर क्या करते हैं, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल करते हैं। अब हमने यहाँ 2 की पावर 2 क्यों लगाया है, क्योंकि नीचे जो है वो 2 टाइम आया है, तो हमने ऊपर वाला 2 छोड़ दिया, क्योंकि जो पावर ज़्यादा है वही लेते हैं, ऊपर वाले में 1 पावर नीचे वाले में 2 पावर, तो नीचे वाला हमने लिया है 2 की पावर 2 वाला और बाकी हमने आगे की संख्या ऐसे ही ले दी। तो 510 × 92 और 2 की पावर 2 × 3 × 5 × 17 × 23 इनको गुणा करेंगे और इधर वाली संख्या गुणा करेंगे, ये समान आएगी, ये आएगी 46920। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन हल होता है। फिर इसका थर्ड जो पार्ट है वो होगा 336 और 54। 336 के हम पार्ट करेंगे, 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 7। तो यहाँ 2 2 2 टाइम आ गया है और आगे भी 2 2 आया है, तो 2 कितने टाइम आ गया, 4 टाइम आ गया, तो 2 की पावर 4 × 3 × 7 इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। 54 का हो जाएगा 2 × 3 × 3 × 3। यहाँ 2 तो 1 टाइम आया मगर 3 कितने टाइम आया, 3 टाइम, तो 2 × 3 की पावर 3। एचसीएफ में क्या होते हैं कि कौन सी कॉमन होती है, तो एक तो इसमें 2 कॉमन है और एक इसमें 3 कॉमन है, तो 2 × 3 = 6। तो एचसीएफ इसका हो गया 6 और एलसीएम हो गया, बड़ी संख्या कौन सी है, 2 की पावर 4 और 3 की पावर 3 × 7, क्योंकि 2 2 इसमें आया तो ये 2 किसी काम का नहीं है और ये 3 पावर बड़ी ले ली तो ये 3 भी किसी काम का नहीं है। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की पावर 4 को 4 टाइम करते हैं तो ये कितना आता है, 8 आता है, 2 2 जै 4 4 2 जै 8 8 2 जै 16, तो ये 16 होता है। और 3 की पावर 3 का क्या होता है, 3 × 3 × 3 3 3 जै 9 9 3 जै 27, तो ये हो गया 27 × 7। सभी को इनको मल्टीप्लाई किया तो ये आता है 3024। फिर हम वही लिखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स इक्वल HCF × LCM, तो 336 × 54 = 6 × 3024। 6 क्या है,
एचसीएफ है, ये दो यहाँ आया है, और एलसीएम कितना है 3024, इनको गुणा करेंगे तो ये 18144 हमें प्राप्त होगा, दोनों साइड ये एक जैसी है, तो इस प्रकार ये सिद्ध हो जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड करने जा रहे हैं। नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने हैं। यहाँ जो ये ऊपर वाला क्वेश्चन है ये भी सेम टू सेम ऐसा ही है, इसमें बस हमें ये ज्ञात करके नहीं देखना है, बस इनके प्राइम फैक्टर हमें फाइंड करने हैं। 12 है, 15 एंड 21, 17, 23, 29, 8, 9 और 25। क्वेश्चन थर्ड में पूछा है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड विधि से ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। 12 है, 15 एंड 21, तो 12 के फैक्टर करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3, 3 टू जै 6, 6 टू जै 12, ये दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। 15 के फैक्टर करें 3 इंटू 5, 11, 21 के फैक्टर करें 3 इंटू 7, तो ऐसे ही देखते हैं तो तीनों संख्याओं में कॉमन कौन सी है, 3, 3 और 3, ये क्या है तीनों में कॉमन हो गया, तो 3 ही तीनों में आया है, तो एचसीएफ तो हो गया 3 और एलसीएम क्या हो गया, 3 के अलावा जो बच्चे हैं वो एलसीएम हो गए, तो 2 इंटू 2 दो बार आया है तो 2 की पावर 2, और एक बार जो ये 3 तीन टाइम आया तो हमें एक बार लेना है, तो 2 की पावर 2 इंटू 3, फिर 5 इंटू 7, फिर इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें प्राप्त होता है 420। अब अगर ये सही है या नहीं है तो हम क्या करते हैं, एचसीएफ इनटू एलसीएम इनको गुणा करके और ऊपर वाली तीनों संख्याओं को गुणा करके हम देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन सही है या गलत है, तो हमें सिर्फ इतना ही इसको करना है। इसका दूसरा पार्ट है 17, 23 एंड 29। पहले 17 के फैक्टर करते हैं तो 17 से 17 ही डिवाइड होता है सिर्फ एक ही संख्या से, फिर 23 सिर्फ 23 से होता है, और 29 29 से ही डिवाइड होता है। आगे हमने एक एक क्यों लिखा है, क्योंकि हमें एचसीएफ फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो ये तीनों संख्याएं जो हैं ये तीनों ही क्या हैं, अलग अलग हैं, तो ये किसी एक ही संख्या से इनका डिवाइड होता है, वो है 1 से, तो यहाँ एस सी एफ हमने क्या लिया, 1 लिया। सबसे पहले हमने बताया था कि एस सी एफ कभी भी 0 नहीं होता, एल सी एम में क्या हो जाएगा, तीनों संख्याएं मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो ये हमें कितने प्राप्त होते हैं, 11,339, तो ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड हो गया। क्वेश्चन नंबर इसी का जो थर्ड पार्ट है वो क्या कहता है कि 8, 9 और 25, तो पहले 8 के फैक्टर किए 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 के करे 3 इंटू 3, 25 के किए 5 इंटू 5, तो इसमें भी क्या है कॉमन, कोई सी भी संख्या कॉमन नहीं है, सिर्फ एक जो नंबर है 1 1 वो ही क्या है तीनों में कॉमन है, तो एचसीएफ हो गया 1 और एलसीएम जो संख्या बच गई ये सभी क्या है एलसीएम में आ जाएगी। 2 3 टाइम आया है तो 2 की पावर 3, 3 2 टाइम आया तो 3 की पावर 2, 5 भी 2 टाइम आया तो 5 की पावर 2, ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 1800 प्राप्त होंगे। अब करते हैं नेक्स्ट फोर्थ नंबर क्वेश्चन। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में क्या है कि एस सी एफ 306, 657, ये दो संख्याएं दी रखी हैं, इनका एस सी एफ हमें 9 दिया है, तो इन सभी में हमने एस सी एफ निकाला था तो इसका एस सी एफ हमें दे दिया। एल सी एम इसका हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, संख्याएं कौन सी हैं, ये दो संख्याएं हैं जो ऊपर वाले क्वेश्चनों में दे रखी हैं, ऐसे ही हमें ये करना है, तो हमें सिर्फ एल सी एम इसका फाइंड करना है। तो एस सी एफ जो है वो कितना है, वो 9 है, और हमें फाइंड करना है एल सी एम, तो क्या कहते हैं, वी नो हम जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर इक्वल एस सी एफ इंटू एल सी एम, ये हमने पहले भी पढ़ा है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एस सी एफ गुणा एल सी एम होता है, ये हम जानते हैं, तो ये दो संख्याएं हैं 306 इंटू
सेवन, तो ये वो दो संख्याएं हैं। इनका एचसीएफ हमें 9 दे रखा है और एलसीएम हमें फाइंड करना है। तो एलसीएम इधर लाएंगे तो एलसीएम बराबर ये संख्या लिखी जाएगी, फिर ये 9 जो है ये इसके नीचे आ जाएगा, फिर 9 से इनको डिवाइड करेंगे। तो 9 को या तो इस संख्या से काट दो या इस संख्या से काट दो, तो 9 को हमने इस संख्या से काटा, 9 को 306 में 9 का भाग दिया तो हमें 34 प्राप्त हुए। आगे ये संख्या ऐसी की ऐसी लिख दी, फिर इन दोनों संख्याओं का गुणा करने पर हमें एलसीएम प्राप्त हो जाता है 22,338। चाहे 9 को इस संख्या से काट दो, हमें आंसर सिर्फ यही मिलेगा। तो हमें एक संख्या को हमने इससे काट दिया। अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो हमें क्या करना है, 0 पर जो समाप्त होती है वो संख्या हम देखते हैं, तो 0 पर तो वही संख्या समाप्त होगी जो 2 और 5 से विभाजित होगी, क्योंकि 5 × 2 ये कितने 10 के बराबर होते हैं। तो अंक जिसका है 0 वही संख्या क्या होगी, उसे विभाजित होगी। यहाँ 6 की पावर n है, तो 6 की पावर में हम ऊपर प्राकृत संख्या वो होती हैं जो 1 से लेकर अनंत तक चलती हैं, 1, 2, 3, 4, 5 ये क्या है, नेचुरल नंबर है। तो 6 n की जगह हम 1 रखते हैं तो 6 ही प्राप्त होंगे, फिर n 1 बढ़ा देंगे तो 6 की पावर 2 कर देंगे, n 2 कर देंगे तो 6 × 6 तो ये 36 होगा। इसमें भी हमें पहली संख्या 6 ही प्राप्त हो रही है, ना कि 0, तो यह असंभव है। तो हम पहले इसको करके देख लेते हैं कि ये हमें इस प्रकार से कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता। तो हम इसका आंसर देखते हैं, तो हम देखते हैं, इफ़ एनी नंबर एंड्स विद द डिजिट 0, इट शैल बी डिविजिबल बाय 10 और इन अदर वर्ड्स इट विल आल्सो बी डिविजिबल बाय 2 and 5 एज n इक्वल 2 and 5। तो इस प्रकार हमें वो संख्या प्राप्त होनी चाहिए, तभी जो है वो डिजिट 0 हमें प्राप्त हो सकती है। प्राइम फैक्टरेशन ऑफ 6n में हमें क्या प्राप्त होंगे, 2 and 3 के फैक्टर हमें प्राप्त होंगे, हमें प्राप्त होने चाहिए 2 and 5 के। तो यहाँ 2 and 3 के फैक्टर प्राप्त हो रहे हैं, तो इफ इट कैन बी ऑब्जर्व दैट 5 इज नॉट इन, कि इसमें 5 जो है वो नहीं है, तो देयर फॉर 6n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। तो इस प्रकार ये हमें कोई संख्या प्राप्त नहीं हो रही है। अब इसको हम हिंदी में देख लेते हैं, यदि किसी संख्या की समाप्ति 0 से होती है तो वह संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित होगी, जैसे 10 = 2×5, तो इस प्रकार हमें वो टुकड़े प्राप्त होंगे। ये 10, 20, 30, 40, 50 कोई भी संख्या रख लेंगे तो उसमें हमें 0 की प्राप्ति हो जाती है, 6n में हमें 0 की प्राप्ति नहीं होगी। 6n का अभाज्य गुणनखंड होता है 2×3 की पावर n, इसमें संख्या 5 नहीं होने से ये विभाजित नहीं हो पा रही है, अतः 6n का अभाज्य गुणनखंड करने पर यह है 2×5 के रूप में प्राप्त नहीं होती, अतः प्राकृत संख्या 6n कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। तो इस प्रकार हमने ये करके देख लिया, ये कभी 0 पर समाप्त नहीं होने वाली संख्या है। अब क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 ये भाज्य संख्याएं होती हैं, कि ये भाज्य संख्याएं होती हैं ये हमें पता लगाना है। तो 7 × 11 × 13 + 13 पहले ये करते हैं, तो इसमें जो 13 2 टाइम आया तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं, फिर 7 × 11 ये संख्या बचती है, 13 2 टाइम आ गए तो हमने 1 टाइम ले लिया, फिर इसमें हम भाग देते हैं, ये 13 तो हमने ले लिया प्लस 13 को 13 से डिवाइड करते हैं 1 आता है, फिर 13 फिर 11 और 7 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 77 आता है प्लस 1, फिर
इनको दोनों को ऐड करते हैं 78 आता है। तो 13 × 78 × 1 हमें तीन खंड करने हैं, जो भाज्य संख्या है उसमें हमको तीन खंडे करने होते हैं। तो हम 78 के फैक्टर कर सकते हैं 13 × 6 या 13 × 2 × 3। तो द गिवन एक्सप्रेशन हैज 6 एंड 13 एज इट्स फैक्टर। तो इसके हम फैक्टर कर सकते हैं। देयर फॉर इज ए कंपोजिट नंबर। तो ये एक कंपोजिट नंबर है, ये हमने देख लिया। कंपोजिट नंबर, जो नंबर होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्राइम नंबर और एक कंपोजिशन नंबर। प्राइम नंबर वो होते हैं जो अभाज्य होते हैं, जिनमें स्वयं और किसी एक संख्या का ही भाग जाता है। और कंपोजिट नंबर में क्या होता है, स्वयं का और एक या एक से अधिक अन्य संख्या का भाग जाता है। तो तीन नंबरों वाली जो संख्या होती है वो कंपोजिट नंबर में आती है। फिर 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 5, इसको भी करते हैं, इसमें कॉमन क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो 5 हमने ले लिया, 7 × 6, ये 5 हमने यहाँ ले लिया, × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 5 को 5 से डिवाइड करेंगे, हमें 1 प्राप्त होगा। फिर इस संख्या को 1 से लेकर 7 संख्या को हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1008 हमें प्राप्त होते हैं प्लस 1, तो ये 1009 प्राप्त होंगे। फिर इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसके हमें दो तीन टुकड़े प्राप्त होंगे, 5 × 1009 × 1। तो 1009 कैन नॉट बी फैक्टराइज्ड, ये फैक्टराइज्ड नहीं हो रहा है। ये 78 तो फैक्टर में आ गया, मगर ये फैक्टराइज नहीं हो रहा। फर्दर देयर फॉर इन द गिवन एक्सप्रेशन हैज 5 एंड 1009 एज इट्स फैक्टर, हैंस इट इज ए कंपोजिट नंबर। इस प्रकार हमने ये सीधे कर दिया। फिर अगर हम इस क्वेश्चन का आंसर हिंदी में लिखें, तो ऊपर तक तो ये ऐसा का ऐसा आ जाएगा यहाँ तक। फिर हमें हिंदी में इस लाइन की जगह हिंदी में क्या लिखना है, कि इस संख्या के दो से अधिक भाजक 13, 78 और 1, एक तो जो है वो सभी में रहता है, 13, 78, 1 हैं, तो ये क्या है, भाजक है, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। ये इस प्रकार हम लिखते हैं, और यही हम इसमें नीचे हिंदी में, इसकी जगह हिंदी में हम यही लाइन इसके नीचे भी लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। जो मैदान होता है वो वृत्ताकार ऐसे होता है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। कि सोनिया यहाँ से स्टार्ट करती है और ऐसे एक चक्कर लगाती है, तो सोनिया को कितना टाइम लगता है, 18 मिनट। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। जो रवि है वो भी इसी प्रकार चक्कर लगाता है, तो उसको 12 मिनट लगते हैं। तो रवि को टाइम कम लगा या ज़्यादा, रवि को टाइम कम लगा और सोनिया को टाइम ज़्यादा लगा। फिर मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान, मतलब यहाँ से दोनों, और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, तो और दोनों एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, इस स्थान पर वो कितने समय बाद में मिलेंगे। तो ये हमें देखना है कि इस स्थान पर दोनों का जो कॉमन नंबर है वो इस स्थान पर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, वो हमें देखना है। हमें क्या करना है, इनका एलसीएम निकालना है। सोनिया 18 मिनट में आती है, तो इसके फैक्टर हो जाएंगे 2 × 3 × 3। इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं, 2 × 3 की पावर 2, क्योंकि यहाँ 3 2 टाइम आया तो पावर लगा देंगे। रवि का है 12 मिनट, तो इसके फैक्टर हो जाएंगे 2 × 2 × 3, तो 2 की पावर 2 × 3 इस प्रकार हम लिख सकते हैं। फिर एलसीएम में जो बड़ी संख्या वो लेते हैं, तो इसमें 3² 3 से बड़ी है, इसमें 2² 2 से बड़ा है, तो 2² × 3² स्क्वायर नहीं, इसको क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। तो
टू के पावर टू कितने हो जाएंगे, फोर, और थ्री के पावर टू हो जाएगा 9, कि वही संख्या उतने टाइम में मल्टीप्लाई करनी है जितनी इसकी पावर है। तो 4 × 9 इक्वल 36 मिनट। तो 36 मिनट के बाद में वो प्रारंभिक स्थान पर मिल जाते हैं। देयर फॉर रवि एंड सोनिया विल मीट टुगेदर एट द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट्स। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा 36 मिनट।